पहुंचना प्रारंभ हो जाता है। उस क्रम को देखिए, भगवान शंकर पर विश्वास रखकर एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक समय, एक एक नक्षत्र का शिव महापुराण में वर्णन है। यहां तक शास्त्र कहता है कि पीपल के वृक्ष की जब भगवान शिव रचना करे, पीपल के वृक्ष की जब रचना करी गई तो उस पीपल के वृक्ष में भी कौन सा समय किसका है, ये शिव महापुराण वर्णन करती है। सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 10:30-11 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है। 10:30 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में 11:30 बजे तक पितरों का वासा होता है। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में आहूतों का वासा होता है। 12:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पीपल के वृक्ष में वासुकों का वासा होता है। 4 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वासा होता है। 9:30 बजे से लेकर फिर कुबेर के वृक्ष में अन्य देवों का वासा चालू हो जाता है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को जब पूजा जाता है, पीपल के वृक्ष की जब पूजन करी जाती है तो सुबह 10:30-11 ज्यादा से ज्यादा 11:30 ज्यादा से ज्यादा 12 उसके पहले पीपल के वृक्ष की पूजन कर लेना चाहिए। रात को कुबेर का वासा होता है, इसलिए पीपल के वृक्ष में दीपावली के दिन रात्रि को 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में जो पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, क्योंकि कुबेर स्वयं विराजमान होता है पीपल के वृक्ष के नीचे। क्यों? क्योंकि 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा रहता है, आहूतों का वासा रहता है, फिर वासुकों का वासा आता है। पितर किसको कहते हैं? महाराज जो पूरी उम्र लेकर चले गए और उनके भीतर अभिलाषाएं बहुत थी, मैं ये भी करना चाहता हूं, मैं ये भी करना चाहता हूं, वो पितर हो जाते हैं। आहूत किसको कहते हैं? जिस माता के गर्भ में बच्चा जन्म ले और मर जाए, या 6 महीने का गर्भ धारण करने के बाद अवर्षण हो जाए, जीव पड़ने के बाद 6 महीने के बाद अगर बच्चा गर्भ में भी शांत हो जाता है, कुंवारी अवस्था में शांत हो जाता है, जिसका विवाह नहीं हुआ ऐसा बच्चा जब शांत हो जाता है, अधोगति में कोई मर जाता है, सुसाइड कर एक्सीडेंट में किसी भी रूप में मर जाता है, तो वो आहूत कहलाता है।